नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी आलू बैंगन की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आज हम बनाने वाले हैं कुकर में। तो चलिए देर न करते हुए आज की ये टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ के बैंगन को ऐसे पतले स्लाइस में काट के, और लिया मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को लंबाई में हम इस तरीके से काट लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिया है। आलू चाहे तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और बाकी मसाला आप बनाते टाइम बता दूँगी। सबसे पहले कुकर में हम ले लेंगे 1/4 कप तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे और डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक बारीक चॉप करके, और 4 से 5 लहसुन को भी बारीक चॉप करके डाल देंगे। आधा चम्मच हम डालेंगे हींग। चार से पांच हरी मिर्च को हम 2 टुकड़ा करके डाल देंगे, और प्याज को हम बस फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। प्याज का कलर जैसे हल्का चेंज हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को स्लाइस में काट के। साथ ही हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। हल्का बस टमाटर को 2 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद बस 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे आलू बैंगन। आलू बैंगन डालने के बाद 2 मिनट हम पहले फ्राई करेंगे अच्छे से, और फिर हम डालेंगे बाकी कुछ मसाले। 2 मिनट बाद हम डालेंगे यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसाला डालने के बाद 2 मिनट और अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। रेसिपी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मसाला डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हो टमाटर पूरी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो गया है। डाल देंगे हम आधा चम्मच गरम मसाला। बस हम मिक्स करके डालेंगे 1/4 कप पानी। पानी हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए मसाले भी अच्छे से भून चुका है और टमाटर भी पूरी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो गया है। डाल देंगे हम पानी। एक बार मिक्स करेंगे हम। अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर को हम बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम में 1 सीटी आने तक सब्जी को कुकर में पकाएंगे। 1 सीटी आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और 2 से 3 मिनट मैंने सब्जी को कुकर में रहने दिया था। अब हम खोल लेंगे और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। और आलू बैंगन की सब्जी हमारा बन के तैयार है। बस मिक्स करके हम सर्व कर लेंगे, और आप देख के समझ सकते हो ये कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। सब्जी को मैं 2 मिनट के लिए हल्का ड्राई कर लूँगी। अगर आप इस तरीके से हल्का ग्रेवी रखना चाहो तो आप धनिया पत्ते डाल के सर्व कर लीजिएगा, लेकिन मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। और देखिए आलू पूरी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो गया है। बस मैं 2 मिनट के लिए सब्जी को और ड्राई करूँगी। 2 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए कुकर को ऊपर से ढक देंगे। 2 मिनट बाद हम सब्जी को सर्व कर लेंगे, और ये सब्जी देख के जितना ज़्यादा आपको टेस्टी लग रहा है खाने में भी बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाइए खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा रेसिपी। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।